हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अगर आपके पास कानिक कोर्स ऑफ ब्रीड है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पहला पॉइंट, प्रोवाइड प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आपके पास कानिक कोर्स ऑफ ब्रीड है तो आपको उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। अगर आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो उसकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी, और अगर कैलोरीज बर्न नहीं होगी तो उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। कानिक कोर्स ऑफ आपका ओवरवेट हो सकता है और उसके बाद उसके अंदर कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इनफ सोशलाइजेशन। कानिक कोर्स ऑफ ब्रीड एज अ हंटर ब्रीड यूज करते थे इटालियन एंशियंट लोग, तो आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसे हंटर डॉग की तरह यूज करते थे, तो इस डॉग को आपने सोशल करना जरूरी है अगर आप इसको अपने घर पे रखते हो, क्योंकि नहीं तो फिर ये दूसरे ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बचपन से इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो ताकि ये सोशल हो जाए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ और जो दूसरे गुड ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनिमल एग्रेशन। इसका मतलब यह है कि जो खाने कोर्स ऑफ ब्रीड है ये अपने सेम सेक्स के अगर दूसरे डॉग्स होंगे तो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और अगर कई बार तो ये डिफरेंट सेक्स वाले डॉग्स के साथ, जैसे कि बिचीज होते हैं जो कानिक कोर्स की बिच है या फिर किसी और ब्रीड की भी है, तो उनके ऊपर भी एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये हंटर डॉग की तरह यूज होते थे तो ये दूसरे जानवरों को चेज करते थे, उनका प्रे करते थे, उनका शिकार करते थे, तो ये इनके अंदर पहले से ही ये इंस्टेंट है। तो इसलिए आपको अगर ये दूसरे डॉग्स के साथ इसको रखना है या दूसरे जानवरों के साथ, पेट्स के साथ रखना है, जैसे कैट होगी या फिर रैबिट होगी, तो इसको आप बचपन से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं ताकि ये आपके दूसरे पेट्स के साथ आराम से रह पाए। जो ये मैस्टिफ ब्रीड है कानिक कोर्सो, मैस्टिफ ब्रीड में ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग है, आप इसको बहुत आसानी से ट्रेनिंग दे सकते हो, मतलब ये दूसरे मैस्टिफ डॉग से ज़्यादा जल्दी ट्रेनिंग सीखेगा और उससे कम टाइम पीरियड में ट्रेनिंग सीखेगा, तो ये एक अच्छी पॉइंट है इसके बारे में। कानिक कोर्सो साउंड, अगर आप वो हो ओनर जिसको साउंड्स पसंद नहीं है, जो दूसरी कई बार डॉग्स अपनी मतलब नोज में से साउंड निकालते हैं, और ये जो ज़्यादातर मैस्टिफ ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर ये कॉमन बात होती है, तो ये कानिक कोर्सो साउंड निकालता है, इसकी नोज में से साउंड आती है, तो अगर आपको साउंड पसंद नहीं है तो ये आपके लिए डॉग परफेक्ट नहीं है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, खाने कोर्सो जो ब्रीड है इसके अंदर अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर कैलोरीज बर्न करवाओ, और इसके जो बोन्स है और जॉइंट्स हैं उनमें डिजीज हो सकती है, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसको प्रॉपर एक्सरसाइज ना हो, और हार्ट डिसीज भी मैंने अभी बताया था, जैसे कि हार्ट डिसीज भी आ सकती है, तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान दें। खाने कोर्सो ब्रीड कई एरियाज में बैन है, तो आप अगर इस ब्रीड को लेना चाहते हो तो आप पहले चेक कर लो कि आपके एरिया में कानिक कोर्सो ब्रीड बैन तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ले सकते हो, और आगे इस चीज़ को लेओगे तो आप, वैसे बहुत अच्छा डॉग है, मैंने ओवरऑल इसका व्यू एक रॉयल डॉग की तरह है, रॉयल डॉग ब्रीड है, अगर आप कोई रॉयल डॉग ले रखना चाहते हो तो आप इस डॉग को रख सकते हो। नॉट फॉर बिगनर्स, तो अगर आप पहली बार इस डॉग को कोई डॉग रख रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है, ये डॉग जो है ये बिगनर्स के लिए नहीं है, जो लोग पहले डॉग रखते थे उनके लिए परफेक्ट है, वो इस चीज़ को संभाल सकते हैं, तो ध्यान रखिए अगर आप बिगनर हो तो आप इसको प्रेफर मत करो। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप और वीडियो किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं।